हमारे गया से कुछ साथी लोग आ रहे थे, हो सकता है एक दो आदमी दारू पी लिया होगा, और वो पी लिया था उनसे गाड़ी को हेल्ड अप कर दिया, केस हो गया। ऐसा होना चाहिए? हमारा कहना है इस शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जीतनराम मांझी ने अपने पार्टी के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर खूब हमला बोला है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी का फिर से समीक्षा नीतीश कुमार को करना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में अभी नए सरकार का गठन ही हुआ है, उसके बाद अब जीतनराम मांझी नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। क्या कुछ कहना है जीतनराम मांझी का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। बहुत सारी बातें हैं, आज हमारे पासी समाज के लोग हैं वो बात कहते हैं तो नीतीश कुमार बिगड़ते हैं। आज शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून का समीक्षा हम करने के लिए कहते हैं, किए तो, लेकिन हुआ यही क्या कि हाँ शराब पीते जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर इतना लगा देंगे टैक्स, इतना उसको दंड देंगे कि उतना पैसा देवे नहीं करेगा, वो चल जाएगा जेल में चल जाएगा। आज हमारे साथ हुआ है, हमारे गया से कुछ साथी लोग आ रहे थे, हो सकता है एक दो आदमी दारू पी लिया होगा, और वो पी लिया था उनसे गाड़ी को हेल्ड अप कर दिया, केस हो गया। ऐसा होना चाहिए? हमारा कहना है इस शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति। और अगर इस तरह का बंदी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, जहां महात्मा गांधी थे, गुजरात में नहीं है पाबंदी, उस मॉडल को आप अपनाइए ना, उसी के तरह यहां कीजिए, सरकार को आमदनी भी होगी और जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे भी हिसाब से और काम होता रहेगा। इसलिए ये मत कीजिए जो आज की कर रहे हैं, उसके चलते पुलिस व्यवस्था के लोग बहुत तंग करते हैं हमारे लोगों को। आज 3 लाख के लगभग आज जेल के शिकंजा में हैं या कानूनी कार्रवाई के चक्कर में लोग हैं। हम तो कहना चाहते हैं आज के इस माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी आप ही से संभव है, आप इसमें रिजिट नहीं होइए। आप शराबबंदी अच्छी बात है, हम आपसे कहना चाहते हैं 80 बरस हम उम्र है हमारा, हम आज तक हमारे यहाँ शराब बनती थी, शराब हमारे पिताजी माताजी पीते थे, लेकिन हम अपने ठोर पर एक बूंद शराब नहीं लाए। कौन कानून था? वैसे ही आप समाज में चेतना जगाइए कि कोई शराब नहीं पिए, और जहाँ ज़रूरत हो तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है, उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए, ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमारे पिताजी हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु चिंता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबू जी कहें अच्छा हम ठीक कर देंगे, 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया, आज हमारी धातु चिंता आज 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सोचे आज ये गुण ताड़ी में है, औषधि है वो, आज उसको काहे बंद करा दिए हैं, लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिट मत होइए, शराब नीति की आप निश्चित रूप में अलवी कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पूरा विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे, अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए, अगर हम 40 नहीं हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे, ये हम दावा करते हैं।